हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन महरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज यूट्यूब चैनल। टुडे इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू कंप्लीट अवर पोएम एंड द पोएम नेम इज अलेक्जेंडर फीस्ट और द पावर ऑफ म्यूजिक विच इज रिटन बाय द फेमस पोएट जॉन ड्राइडन। सो हमने इस पोएम को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। आज हम इस पोएम का जो लास्ट स्टैंजा है उसे भी कंप्लीट कर लेंगे। ये जो पोएम है वो एक ऑड है और ये 1697 में पब्लिश की गई थी। इसके जो मेजर कैरेक्टर्स हैं वो मैंने आपको इसके इंट्रोडक्शन में ही कवर करवा दिए हैं। एक बार हम फिर से इसके जो मेजर कैरेक्टर्स हैं उनको रिपीट कर लेते हैं। डेमेंथियस जो कैरेक्टर है जिसके पावर ऑफ म्यूजिक से अलेक्जेंडर के मूड स्विंग्स हमें देखने को मिल रहे हैं इस पोएम में, वो एक बार्ड है। और सेंट सिसिलिया यहाँ पे एक सेंट है जिसने इन्वेंट किया है वोकल इंस्ट्रूमेंट को, जिनका डे जो सेलिब्रेट किया जाता है वो है 22nd of November। और जो अलेक्जेंडर है वो किंग है मैसेडोनिया के, और उन्होंने अभी अभी इस पॉइंट में यही बताया गया है कि उन्होंने फीस्ट क्यों दिए। उन्होंने किंग डायरस को हराया है जो किंग है पर्सिपोलिस यानी कि पर्शिया के, तो उनको जब उन्होंने हराया है, डिफीट किया है, तो उसके उपलक्ष्य पे उन्होंने एक बहुत बड़ी ऐसी ग्रैंड पार्टी जिसे हम बोल सकते हैं वो ऑर्गेनाइज की है, जिसे यहाँ पे नाम दिया गया है अलेक्जेंडर फीस्ट। अलेक्जेंडर के जो मदर है उनका नाम है ओलंपिया और अलेक्जेंडर के फादर का नाम है फिलिप। वैसे जो अलेक्जेंडर है वो सन है गॉड और ओलंपिया के, ये भी मैंने आपको स्टोरी बहुत अच्छे से बता दी है। और अलेक्जेंडर की वाइफ जो है उनका नाम है थाइस। पहले स्टैंजा में हमने पढ़ा कि किस तरह से जो दरबार लगा हुआ है एक तरह से, तो वो किस तरह से वहाँ पे बैठे हैं सब लोग, ये हमने पढ़ लिया। सेकंड स्टैंजा में हमने देखा कि टिमेंथियस अपना सॉन्ग जो है वो शुरू करता है, फिर हमें अलेक्जेंडर के अलग अलग जो मूड स्विंग्स हैं वो देखने को मिलते हैं। थर्ड जो स्टैंजा है उसमें बेकस की प्रशंसा की जाती है। बेकस कौन है? वाइन ऑफ गॉड है, यानी कि जो शराब के देवता है, एक तरह से उनकी प्रशंसा की जाती है, यानी कि एक तरह से वाइन डिस्ट्रीब्यूट की जाती है सेलिब्रेशन के लिए। फोर्थ स्टैंजा हमने अच्छे से कर लिया जिसमें ग्रेट जो किंग है डायरस उसके डिफीट को बताया जाता है कि किस तरह से अलेक्जेंडर द ग्रेट ने डिफीट किया है डायरस को। फिर जो फिफ्थ स्टैंजा है उसमें एक लव सॉन्ग क्रिएट किया जाता है जिसके थ्रू हमें देखने को मिलता है कि अलेक्जेंडर जो है वो बहुत बहुत ही प्यार भरी निगाहों से देखता है अपनी बीलव्ड वाइफ थाइस को, और फिर उसके अंदर वो खो जाता है। सिक्स स्टैंजा हमें बताता है कि किस तरह से हेलेन जो एक लेडी है उसकी वजह से ट्रॉय जो ट्रोजन वॉर है वो हुआ था, यानी कि ट्रॉय और पेरिस के बीच में एक युद्ध लड़ा गया था, तो जो युद्ध है वो ऐसे ही लड़े जाएंगे, ऐसा हमें पॉइंट बताते हैं कि जो युद्ध है वो तो ऐसे ही लड़े जाएंगे, ऐसे ही वो कंटिन्यू चलते रहेंगे, इनका तो कोई अंत नहीं है, यानी कि एक तरह से लड़ाइयाँ जो है उनका कोई अंत नहीं है, उनका कभी कोई एंड नहीं है। जो प्लेजर है वो तो किसमें है? वो लाइफ को इंजॉय करने में है। अकॉर्डिंग टू पोएट जॉन ड्राइडन यहाँ पे यही बताना चाह रहे हैं इसके थ्रू कि जो रियल प्लेजर है वो तो लाइफ को इंजॉय करने में है, इसकी भौतिकता को, सुंदरता को देखने में है। ठीक है, तो आज हम इस पॉइंट को कंप्लीट कर लेंगे इस वीडियो के थ्रू। आज हम इस पॉइंट का जो लास्ट स्टैंजा है उसे कवर कर लेते हैं। दस लॉन्ग एगो एरे हैविंग बिलोस वांट टू ब्लो व्हाइल ऑर्गन्स यट वर म्यूट टिमेंथियस टू हिज ब्रीदिंग फ्लूट एंड साउंडिंग लेयर कुड स्वेल द सोल टू रेज और किंडल्स ऑफ डिजायर at last divine Cecilia's camp inventress of vocal frame। यहाँ तक हम पढ़ लेते हैं एक बार, देख लीजिए यहाँ पे भी ये आ गया है कि inventress है वो vocal frame की, कौन? Saint Cecilia। तो दस लॉन्ग एगो यानी कि जैसे हमें पिछले स्टैंजा में देखने को मिला कि पॉइंट ने कहा कि जो वॉर्स वगैरह है वो तो यूजलेस है एक तरह से, यानी वॉर्स तो चलते ही रहेंगे लेकिन रियल प्लेजर जो है वो तो किसमें है? वो तो लव में है, वो तो लाइफ के जो प्लेजर्स हैं उन्हें इंजॉय करने में है। साथ ही इसका जो लास्ट स्टैंजा ये है स्टैंजा, इसमें पॉइंट बता रहे थे कि जो वॉर्स वगैरह है वो तो ऐसे ही चलते रहते हैं, लेकिन जो रिवेंज है वो भी इसमें बताया गया है कि जब रो पड़ते हैं अलेक्जेंडर तो टिमेंथियस ये ट्राई करते हैं कि जो ग्रीक की जो सोल्जर्स है जो मर गए हैं वॉर के थ्रू, तो उनका जो रिवेंज है वो
एलेक्जेंडर ले, तो रिवेंज जब लेते हैं एलेक्जेंडर तो वो पर्सिपोलिस जो कंट्री है या पर्सिपोलिस जो सिटी है उसको जला देते हैं उस रिवेंज के थ्रू। द 10 लॉन्ग एगो इयर हैविंग बिलोज लर्न टू ब्लो वाइल ऑर्गन्स येट वर म्यूट, यानी कि ऑर्गन्स जो है वो म्यूट हो जाते हैं, यानी जब जलाने की बात आती है यानी कि रिवेंज की बात आती है, जब वो रिवेंज लेते हैं तो वो सब गाना बजाना बंद कर देते हैं एंड साउंडिंग लेयर सिर्फ एक लेयर बजाया जाता है जिसका इन्वेंट किया है सेंट सिसिलिया ने। ओके, यहाँ तक पढ़ लिया है हमने, अब चलते हैं नेक्स्ट लाइन्स की तरफ। द स्वीट एंथुसियास्ट फ्रॉम हर सेक्रेड स्टोर एनलार्ज द फॉर्मर नैरो बाउंड्स एंड एडेड लेंथ टू सॉलोमन साउंड विद नेचर्स मदर विट एंड आर्ट्स अननोन बिफोर, लेट ओल्ड मेंथियस फील द प्राइज और बोथ डिवाइड द क्राउन, ही रेज द मॉर्टल टू द स्काइज शी ड्रू एन एंजल डाउन। यहाँ पे टिमेंथिस अपने सॉन्ग के थ्रू ये बताना चाह रहे हैं कि द स्वीट एंथुसियास्ट फ्रॉम हर सेक्रेड स्टोर, यानी कि जो सेंट सिसिलिया है उनके वोकल्स इंस्ट्रूमेंट की यहाँ पे बात की जा रही है कि वो कितना सेक्रेड है, कितना पवित्र है। एनराज द फॉर्मर नैरो बाउंड्स, जिसने एनराज कर दिया है जो नैरो बाउंड्स हैं उनको, एंड एडेड लेंथ टू सॉलोमन साउंड, और उसने एक आत्मीयता के अंदर एक साउंड को पहुंचाया है, आत्मा के अंदर एक जगह करी है अपनी, विद नेचर्स मदर विट एंड आर्ट अननोन बिफोर, दैट ओल्ड टिमेंथियस सील द प्राइज, यानी उसने प्राइज दिलाया है किसी ओल्ड टिमेंथियस को, यानी उसके गाने में उसने एक तरह से सहायता की है। तो यहाँ पे बोला गया है ये लाइन, और बोथ डिवाइड द क्राउन, ही रेज द मॉर्टल टू द स्काइज शी ड्रू एन एंजल डाउन, यानी एक तरह से पॉइंट ये कहना चाह रहे हैं कि जो जीवन है उसमें जो प्लेजर्स हैं उनको भी इंजॉय करना चाहिए, वरना जो अपना लास्ट टाइम रहता है उसके अंदर कुछ भी नहीं रहता बताने के लिए, जो वॉर्स वगैरह हैं वो वैसे ही चलते जाएंगे। तो ही रेज मॉर्टल टू द स्काई, तो उसने जो अपने सॉन्ग के थ्रू जो मॉर्टल्स जो हैं वो उनको स्काई तक पहुँचाया, यानी कि उसने बहुत जोर लगाया उन पर, उन्हें ये बताया अलेक्जेंडर को कि लाइफ में जो इंजॉयलेबल मोमेंट्स हैं उनको भी, प्लेजरस जो मोमेंट्स हैं उनको भी इंजॉय करना कितना ज़रूरी है। शी ड्रू एन एंजल डाउन, ओके। तो यहाँ पर अपनी जो पॉइंट है अलेक्जेंडर्स फीस्ट वो कम्प्लीट होती है। होप आपको पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, मैंने कोशिश करी है कि आपको ये पॉइम अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। अगर आपको फिर भी किसी भी तरह के कोई भी डाउट्स हैं तो प्लीज़ शेयर हियर। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पॉइंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।